नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज द कानेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ मास एम इन ट्रेवलिंग डिस्टेंस डी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और हमारे ऑप्शन है एम टू दी पावर वन एम टू पावर जीरो एम टू पावर हाफ या फिर एम टू दावर माइनस हाफ सिंपल सवाल है इसको अगर हम ये देखें कानटिक हमें सवाल ही पूछा गया है कि एक बॉडी है एम मास है उसका वो डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स हमें ये बताना है कि उसका चेंज इन कॉनेटिक एनर्जी किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होगा हालाट सो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपकी चेंज इन कानेटिक एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर नाउ ये आपका डायरेक्टली कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि कानीटिक एनर्जी एम टू पावर वन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए बिकॉज कानीटिक एनर्जी इसके प्रोपोर्शनल होगी यहाँ पे जो मैं कंडीशन दी है कंडीशन ये दी है कि कॉन्स्टेंट फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो रहा है और वो कॉन्स्टेंट फोर्स आपका मूव कर रहा है नाओ ये जो आपका हम इसको अगर थर्ड इक्वेशन से एक बार सॉल्व करें इस केस में अगर हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालने लगे वी स्क्वायर को भी हमें देखना पड़ेगा क्या ये वी स्क्वायर भी आपका मास के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं अलग सो right? so, अगर हम अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस टू से इसे डिवाइड कर दें और उसके बाद हम इसे मास से मल्टीप्लाई कर दें सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम एम ए इंटू एस ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ना लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम नोटिस करेंगे इनिशियल वैल्यू तो अपने को जीरो दे रखी है सो so, ये जो आपकी वी स्क्वायर है ये अच्छा ये वाला आपका कॉन्स्टेंट uh, फोर्स हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डॉट एस तो आपकी जो वी स्क्वायर है uh, उसको आप लिख सकते हैं टू एफ एस डिवाइडेड बाई एम तो आपकी वी स्क्वायर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के अब इस चीज़ को जब हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो हम कह है सकते हैं कि कानीटिक एनर्जी हाफ एम टू दावर वन और वी स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया इससे सो दिस विल बी इक्वल टू टू एफ एस डिवाइडेड बाई एम यानी कि आपकी कानीटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल हो गई एम टू दावर ज़ीरो के तो ये एम के इंडिपेंडेंट हो गई चेंज इन कानेटिक एनर्जी अंडर द कंडीशन जब आपका फोर्स कॉन्स्टेंट है सो so, इस केस में हम कह सकते हैं कि कानेटिक एनर्जी में चेंज मास के इंडिपेंडेंट हैंस ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर